बंद्रा प्रखंड के उत्क्रमित हाई स्कूल बंद्रा में शुक्रवार को स्थानीय प्राधिकार के राजद प्रत्याशी शंभू कुमार के समर्थन में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों की चुनावी प्रशिक्षण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राजद के प्रखंड अध्यक्ष रविन्द्र सहनी एवं संचालन राजद के जिला महासचिव सह विधायक प्रतिनिधि विनय कुमार यादव कर रहे थे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राजद विधायक निरंजन राय ने कहा कि बंद्रा प्रखंड के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि राजनीतिक रूप से काफी जागरूक हैं, इसलिए सभी प्रतिनिधि मिलकर इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। बहुत ही राजनीतिक रूप से परिपक्व और फैसला लेने वाले प्रखंड के रूप में जाना जाता है। आपका जो निर्णय होता है वो जिला का निर्णय होता है। इस मौके पर राजद के प्रत्याशी शंभू कुमार ने कहा कि पहले एसी में बैठकर चुनाव हो जाता था, आज उनके चुनावी रण में आने से सब परिवार जमे हुए लोग भी घूम घूम कर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। राजद भारी बहुमत से इस बार इस सीट को जीतेगा। जो अभी चुनाव का जो मुजफ्फरपुर में स्थिति है, जो इससे पहले के जो एमएलसी साहब है 18 साल से 1 साल से चुनाव हो रहा है, 19 साल उनका हो गया, तो उन्होंने आज तक किया क्या? साथियों सभी वहां से हाथ उठा के बताइए कि आज से पहले 3 बार में कभी लड़ा कि एमएलसी का चुनाव मुजफ्फरपुर में हो रहा है? कभी तो हाथ उठा के बोलिए कि एमएलसी का चुनाव हुआ हो, लेकिन इसी बार क्यों लड़ रहा है? लग इसलिए रहा है कि आप लोग हमको अपना समर्थन दे रहे हैं, इसलिए एमएलसी का चुनाव लड़ रहा है। वरना यह एमएलसी का चुनाव होटल के कमरे और एसी के कमरे में कैद होकर रह जाता और आपका अभी अधिकार उसी कमरे में कैद हो जाता, लेकिन इस बार महान आप लोग बदले हुए हैं और महान को बदलिए। वो इस बार ऐसा विचलित हुए हैं कि अपना पेशेंस खो दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रखंड क्षेत्र के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की खास तौर से उपस्थिति देखी गई। आरजेडी से जुड़े हुए कई वक्ताओं ने इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित किया।